इसके लिए हम आप सभी लोगों का दिल की गहराई से गोयल मोटर नेक्सा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक बहुत ही शुभ घड़ी है। कहते हैं जब किसी आदमी को आज के समय में तरक्की करनी हो तो उसे वक्त के साथ ढलना होता है, और ये बात न केवल आदमी पर बल्कि एक कंपनी पर भी लागू होती है। और उसी को देखते हुए मारुति नेक्सा अपने प्रोडक्ट की रेंज को लगातार बढ़ाते जा रहा है और समय समय पर उन प्रोडक्ट्स में नए फीचर्स ऐड ऑन करते जा रहा है, जिस वजह से मारुति ने एक समय में अपने एक प्रोडक्ट मारुति 800 से स्टार्ट किया था और आज दुनिया भर में मारुति कॉम्पैक्ट कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। उसका रीजन भी यही है कि मारुति जो है समय समय पर अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाती रही है, समय को देखते हुए, कस्टमर्स की नीड को देखते हुए। और उसी को देखते हुए आज मारुति नेक्सा न्यू बेलिनो एडिशन जो है वो लॉन्च करने जा रही है, और उस लॉन्चिंग के मौके पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। साथियों, नेक्सा कंसेप्ट मारुति ने क्यों लाया, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। समय की डिमांड को देखते हुए मारुति ने अपने आप में चेंजेस लाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए मारुति ने जो है वो नेक्सा कंसेप्ट 2017 में गोयल मोटर्स नेक्सा जो है स्टार्ट हुआ। और आज अगर मैं बात करता हूं तो मारुति नेक्सा में 5 प्रोडक्ट रेंज नेक्सा के पास है, कुल मिलाकर 15 प्रोडक्ट मारुति के हैं इस वक्त जो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर रहे हैं भारत के अंदर। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ प्रक्षित जी मैनेजर नेक्सा सोलन को बुलाना चाहूंगा कि वो इस न्यू बेलिनो के बारे में इसके फीचर से हमें अवगत कराएं। प्रक्षित जी, थैंक यू राकेश सर, थैंक यू आप सभी का। मैं आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहां पे आए और हमारे इस लॉन्च प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए आप सभी ने अपना टाइम दिया। बेलिनो की जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही है। बेलिनो 2017 अक्टूबर में नेक्सा में आई थी और आज करीबन 5-6 सालों में 10,000 यूनिट से ऊपर बेलिनो बिक चुकी है। तो बेलिनो इस वक्त बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी रही है और इतने कम समय में इतने ज्यादा यूनिट सोल्ड करने वाली सबसे पहली गाड़ी भी बेलिनो के ही नाम है। बेलिनो 2017 में आई, इसका फर्स्ट जो पहले अपडेट वर्जन आया वो आया 2019 में जनवरी में, इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया मारुति ने, और ये इसका अब सेकंड अपडेट वर्जन आया है जिसे बिल्कुल एक नई लुक और बिल्कुल नए इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स और फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया है मारुति ने, और इतने फीचर्स आपको इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में भी उपलब्ध नहीं होंगे, ये मेरा दावा है आप सभी से। ये फर्स्ट ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट की जो ये इतने फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिस गाड़ी में। अगर आपको मैं फीचर्स की बात करूं, सेफ्टी में भी बहुत इसमें काम किया है मारुति ने। ये 6 एयरबैग्स के साथ आने वाली गाड़ी है, ठीक है। 360 व्यू डिग्री कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा। हेडअप डिस्प्ले के साथ आने वाली ये इस सेगमेंट की पहली गाड़ी है। स्मार्ट प्ले प्रो प्लस के साथ आने वाली ये पहली गाड़ी है। साथ ही में इसमें सराउंड सेंस पावर्ड बाय आर्किमिस आपको मिल जाएगा। आपको मेरा दावा है आप सभी से कि आपको लुक भी बहुत पसंद आएगी गाड़ी की, चाहे वो इंटीरियर्स की बात करें चाहे वो एक्सटीरियर्स की बात करें। इसमें इंटीरियर्स में भी एकदम मॉडिफिकेशन किया है मारुति ने और एक्सटीरियर्स में भी बहुत ही स्पोर्टी लुक में गाड़ी को दिया है इस बार मारुति ने। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और कस्टमर्स के दिल में अपनी जगह बनाएगी। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो
तो थोड़ी सी चेंजेस किए हैं मारुति ने। पहले 399 की एमएम की लेंथ होती थी, थोड़ी 5 mm की लेंथ कम की है, 3990 एमएम की लेंथ के साथ अभी गाड़ी आ रही है। विड्थ 1745 mm, हाइट पहले 1510 mm आती थी, अब 1500 mm आ रही है। और इसका जो बूट स्पेस है 318 लीटर के साथ आ रहा है। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो ये 66 किलोवाट एट द रेट 6000 आरपीएम की पावर जनरेट करेगी। और जहां तक टॉर्क की बात है 113 न्यूटन मीटर एट द रेट 4400 आरपीएम पे टॉर्क रहेगा इसका। और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी माइलेज के साथ मारुति सुजुकी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें 22.35 की एवरेज देगी, और जहां की एजीएस ऑटोमेटिक की बात है ये 22.94 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज कस्टमर्स को देगी। ड्यूल जेट वीवीटी इंजन इसमें इंट्रोड्यूस किया है मारुति ने, जो बहुत ही रिफाइंड इंजन है, और मेरी ये उम्मीद है कि ये कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगी। और फिर से एक बार मार्केट में जैसे पहले की तरह इसने अपना पोजीशन फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, वैसे ही फिर से एक बार ये कस्टमर्स के दिल में उतर के फिर से कस्टमर्स में उतनी ही इसके लिए क्रेज बढ़ता रहेगा। थैंक यू, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अभी आपने अच्छे से सुना न्यू कार्स के फीचर्स एड ऑन जो मारुति ने किए हैं न्यू बलेनो के अंदर। साथियों, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि समय की डिमांड को देखते हुए मारुति जो है समय समय पर अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करती रही है, और उसी की एक कड़ी है न्यू बलेनो। आज के दौर में 360 डिग्री व्यू, हेडसअप डिस्प्ले, इस तरह के फीचर्स एड ऑन मारुति करने जा रही है, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। और अभी कुछ ही देर के बाद जब गाड़ी अनवील होगी तो आप देखेंगे ये फीचर्स, आप फील करेंगे, आप देखेंगे कि ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स आपको अच्छे लगेंगे भी। अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, इंतजार की घड़ियां, मुझे मालूम है कि काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये अनवील हो गाड़ी और कब हम इस गाड़ी को देखें। तो इस गाड़ी को अनवील करने के लिए आज हमारे पास जो कस्टमर हैं श्री नीतीश शर्मा जी और प्रेमी देवी जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आगे आए और इस गाड़ी को अनवील करें। ये पहले कस्टमर है जो आज इस गाड़ी को परचेज करने के आए हैं, और हम चाहते हैं कि इन्हीं के हाथों से इस गाड़ी का इनोग्रेशन हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीतीश शर्मा जी और प्रेमी देवी जी से, तो प्लीज आए और केक काटकर इस गाड़ी को अनवील करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीईओ श्री सैभव गोयल जी और इंटर मैम से कि प्लीज वो आगे आकर हमारे कस्टमर के साथ केक काटकर गाड़ी को अनवील करें। थोड़ा मास्क नीचे, यस शर्मा जी से और प्रेमी देवी जी से, सर आप एक कार्यक्रम जो है वो आज के नीतीश शर्मा जी से और प्रेमी देवी से
एक मिनट सामने देखिएगा सर। थोड़ा आगे मैम आपको हाँ जी यस या ओके थैंक यू। Thank you.
जो स्पीडोमीटर में जो भी फंक्शन है वो सारे इसमें दिखेंगे, इसमें डिस्प्ले में डिस्प्ले में अरे ट्रांसपेरेंट है कि आपको पूरा आगे का दिखेगा। इसकी कितने परसेंट है बोले क्लास ये टिंटेड आते हैं कि इसका ध्यान है नहीं बिल्कुल ब्लैक लग रहा है ऐसा नहीं कि आप गाड़ी को ले जाओ और कहीं आगे चलान हो रहा हो ऐसा कहीं भी कंपनी वाले के थ्रू आते ना भाई उसमें चलान नहीं होता क्योंकि वो पहले Gracias.
फोटोग्राफर हाँ बुला लो Thank you.
Thank you.